उज्जैन में फिर हुआ चिकित्सा का पेशा शर्मसार। डॉक्टर और हॉस्पिटल ने मिलके की शर्मनाक हरकत। पथरी का इलाज कराने गए युवक की पेशाब की नली ही काट डाली। पीड़ित का इलाज करने की बजाय डाल रहे हैं एक दूसरे पर जिम्मेदारी। दरअसल मामला क्या है यह भी जान लीजिए। नीलगंगा निवासी बंटी पिता कैलाश परिहार को पथरी की समस्या थी। वह इसका इलाज कराने के लिए फ्रीगंज स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर पहुंचा। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमित तिवारी ने बंटी का इलाज शुरू किया। बंटी को यह नहीं पता था कि तिवारी उसका इलाज कर रहे हैं या जीवन बर्बाद कर रहे हैं। 7 सालों से यूरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं गुरु नानक में लगभग 6 महीने पहले ऑपरेशन के लिए गया था। जहाँ मैंने अपना ऑपरेशन करा वहाँ पर एक आदमी बिलबिला रहा था, जो दूसरा आदमी था उसी में, और उसको नली डली हुई थी जो नली निकल नहीं रही थी। तो मैंने नली निकालने में उनकी मदद करी। अब जो है कुछ बीच में वहाँ पर जो डॉक्टर घनश्याम जेठवानी जी थे, जो अब रहे नहीं, उन्होंने फिर वो केस मुझे दे दिया था। उसका एक दिन छोड़ करके उसे एडमिट करवा करके फिर उन्होंने मेरे अंडर में एडमिट करा, और एडमिट कराने के बाद जो है उन्होंने जो है मुझसे ऑपरेट कर रहा। तो मैंने उनको एक दिन छोड़ करके बाद में ऑपरेट करा तो उसमें पाया था कि नली में ऑलरेडी एक जगह रेंट था, जो कि गलती से जो पहले जो नली डली होगी तो बीच में फूट गई होगी, तो उस कारण से रेंट था। मैंने पथरी निकाल दी और पथरी निकाल करके नली डाल दी थी उनकी नली में, जो हमारा कैथेटर होता है वो डाल दिया था। ये चीज़ है। और उसके बाद जो है मरीज को थोड़े टाइम बाद जो है मैंने 7 दिन बाद के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया था, तो उस टाइम पर पाया गया कि जो है उसके लिंग पे सूजन थी। तो लिंग के सूजन के लिए मैंने सोनोग्राफी करवाई थी, उसको एडवाइस सोनोग्राफी करी थी, जिसमें लिंग के अंदर पक पाया गया था। जो जनरली जब कभी नली में चोट लगती है, पहले नली डली हुई होती है, तो उस कारण से वहाँ पर पस आना। बंटी को इलाज के बाद कुछ दिनों बाद ही घाव में पस फैलने लगा। वह दर्द से कराहने लगा, परेशान होने लगा। यह देख परिजन फिर से उसे गुरु नानक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। गुरु नानक हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टरों ने कहा बंटी को ठीक करना है तो 10,000 रुपए लगेंगे, नहीं तो निजातपुरा स्थित डॉक्टर सुमित तिवारी के हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां इलाज कराओ। परिजन बंटी को लेकर सुमित तिवारी के हॉस्पिटल में पहुंचे। यहां भी तिवारी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बंटी लगातार परेशान रहने लगा। फिर से सुमित तिवारी को शिकायत करी। फिर डॉक्टर सुमित तिवारी ने फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर बने शिवालय क्लिनिक पर उसे बुलाया। वहां दूरबीन से देखकर बताया कि बंटी की पेशाब की नली ऑपरेशन के दौरान कट चुकी है, उससे खून बह रहा है, जिससे वो परेशान हो रहा है। 1 जनवरी को मेरे को तकलीफ उठी। 6 जनवरी को गुरु नानक ने मेरा ऑपरेशन करा, अपने सुमित तिवारी ने अपने ऑपरेशन करते समय मेरा पेशाब की नस काट दी। नस काटते समय हम उसके पास में गए तो उसने मेरे को बुला, बोले के बोले गाली ग्लोज करी और मेरा इलाज नहीं करा। 3 से 4 लाख रुपए मेरे लग चुके हैं और अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में हमारा दो जगह इलाज चला, JK में और वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर भी मेरा ऑपरेशन का बोला, वहाँ पर भी मेरे पैसे लग रहे हैं, वहाँ भी 1.5-2 लाख रुपये लग रहा है ऑपरेशन के। उन्हें कहाँ से लेके आऊँ इतने पैसे? तो फिर उनको यहाँ सरकारी अस्पताल में मेरी जांच के लिए दिखाया मुझे, तो यहाँ भी डॉक्टर बोलते हैं, बोले कि तुम हमारा काम मत सिखाओ। तो बोले कि जो है हमारा काम वहाँ में करने दो, वरना जो बोले रिपोर्ट में कुछ भी लिख के दे दूँ। ऑपरेशन कहाँ पर हुआ था आपका? ऑपरेशन मेरा हुआ था गुरु नानक में, और सुमित तिवारी ने ऑपरेशन करा था। क्या लगता है आपको, गुरु नानक क्या डॉक्टर भी मिले हुए हैं? उसके डॉक्टर भी दो डॉक्टर ने बातचीत करी और 2 डॉक्टर मिले हुए, सुमित तिवारी और अपने गुरु नानक के डॉक्टर भी मिले हुए। ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के द्वारा ही मेरे लड़के की बाथरूम की नली फाड़ दी गई है, और उस द्वारा 15 दिन के बाद में उसको पस पड़ गया। तो वापस ले जाने के बाद में मेरे से बदतमीजी करी सुमित तिवारी ने और गुरु नानक के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, और चिल्ला चोट करके बहुत बदतमीज तरीके से वापस भगा दिया। जिसके बावजूद फिर मैंने यहाँ आवेदन दिया है थाना कोतवाली, तो मैडम ने मुझे मेडिकल जांच के लिए सिविल हॉस्पिटल में पहुँचाया। तो वहाँ पे भी बोले वो खान डॉक्टर साहब है, उनने कोई रिपोर्ट नहीं दी, और वहाँ पे भी बदतमीजी से बोल रहे हैं। क्या बोले, क्या लगता है खान डॉक्टर भी मिला हुआ है कुछ? हाँ, खान डॉक्टर भी मिल गया गुरु नानक हॉस्पिटल से और तिवारी सर से, सुमित तिवारी से मिल चुका है। आप क्या चाहते हैं? मैं मेरे बच्चे का इलाज चाहती हूँ, और अभी तक कम से कम मैं
4-5 लाख रुपए लगा चुकी है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है लगाने के लिए। क्या नाम है आपका बेटे का? बंटी परिहार। कहाँ पर पैसे लगाए? गुरु नानक और सुमित तिवारी, तिवारी नर्सिंग होम में। जान का खतरा है, मेरे बच्चे की जान बचा ली। आपके बच्चे को और भी कहीं दिखाया? जेके हॉस्पिटल में दिखाया और अपोलो में दिखाया। वहाँ से दोनों जगह से की गई है कि बोला आपके बच्चे की हालत बहुत खराब कर दी गई, गुरु नानक में और सुमित तिवारी, तिवारी नर्सिंग होम में आपके बच्चे की पूरी कंडीशन खराब कर दी गई है। क्या ऑपरेशन की अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं मेरे मन का खतरा है। इस बात की शिकायत पुलिस में की है? जी हाँ, थाना कोतवाली CSP मैडम के पास की है। आपने जब पुलिस रिपोर्ट की है तो मैडम ने क्या जवाब दिया? उन्हें तुरंत बोले सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल जांच करवाई हमारी। क्या अब वहाँ पे ना तो हमारी जल्दी जांच भी नहीं दे रहे हैं और लापरवाही बहुत कर जा रही है। अब डॉक्टर और हॉस्पिटल की गलती का खामियाजा बंटी भुगत रहा है। पीड़ित बंटी ने इस मामले की लिखित शिकायत कोतवाली थाने में भी की है। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी शिकायत की है। CSP कोतवाली पल्लवी शुक्ला का कहना है कि दोनों की शिकायत मुझे मिली है, मामला गंभीर है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पीड़ित बंटी परिहार अपनी मम्मी के साथ में यहाँ पर आकर रिपोर्ट दर्ज करी है, शिकायत दी है कि उनको डिटेक्ट हुआ था यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन सोनोग्राफी के थ्रू। फिर उन्होंने जाके डॉक्टर तिवारी को दिखाया था, वहां पर उनका लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद उनके यूरिनरी ट्यूब में प्रॉब्लम आई। उनका ऐसा कहना है कि ऑपरेशन लापरवाही से किया गया था, जो कि ऑपरेशन गुरु नानक हॉस्पिटल में किया गया था। उनसे काफ़ी फीस भी ले ली गई है। शिकायत प्राप्त होते ही हमने CMHO सर को लिखा है और मेडिकल बोर्ड का गठन कर आगे इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज टुडे।